Hello students and a very warm welcome to Saurav Sir's classes. आज का tutorial या tutorial का topic है WBCS. हम लोग solve करेंगे preliminary question paper, preliminary examination का और we will be solving WBCS preliminary exam question paper and the question paper which we will solve today is of 2017. 2017 का paper है तो चलिए start करते हैं tutorial से. So this is the question, ये पहला question है जो हम लोग जिससे हम लोग video start करेंगे. We will starting the video. The question says there was no blank in the rain. ये question है हमारा और हमें ये blank को fill करना है. यहाँ पर चार options दिए गए हैं. We have been provided with four options. Now let us see one by one what is the meaning of each option. हम लोग एक बार बार देखने का कोशिश करेंगे चारों ऑप्शन का मीनिंग क्या है. सबसे पहला है लेट अप. लेट अप का मीनिंग है और लेट अप मींस ए पॉज, ठहराव और रिडक्शन या कमना इन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग डेंजरस, जो बहुत ही भयानक है. सो समथिंग डेंजरस, ये मीनिंग है और दिस इज द मीनिंग ऑफ लेटर. अब हम लोग मूव करते हैं लेट इन की तरफ. सो द मीनिंग ऑफ लेट इन इज अलाउ पार्टिसिपेशन, मतलब पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको अलाउ कर रहे हैं कहीं पे, या फिर परमिट टू एक्सरसाइज, मतलब आप उन्हें आज़ादी दे रहे हैं अपने राइट्स और फंक्शन को यूज़ करने का. परमिट टू एक्सरसाइज द राइट्स एंड फंक्शंस. चलिए बढ़ते हैं. वी विल नाउ मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन. सो द थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन है लेट ऑफ. लेट ऑफ का मीनिंग है इट मीन्स ग्रांट एग्जेम्पशन और रिलीज टू. आप माफी कबूल करते हैं और या फिर आप उनको रिलीज कर रहे हो, लेट ऑफ का मतलब. और लेट गो जो हम लोग का फाइनल ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब है रिलीज फ्रॉम वंस ग्रिप. एक आदमी के चुंगल से बचने का, जो हम लोग कहते हैं मुहावरा. तो चार ऑप्शन दिए हैं, ये है चार मीनिंग. सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द फोर फ्रेजेस दैट आई यूज फ्रेजल वर्ब. सो अगर इन चारों ऑप्शन को देखें, इफ यू केयरफुली एनालाइज, देन वी कैन क्लियरली से दैट लेट अप, द मीनिंग ऑफ लेट अप विल कैन बी वेल पोर्ट्रेड हियर. या लेट अप का जो डेफिनेशन है और इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं. मतलब ए करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंसर्ट करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस. सही वर्ड को हम लोग को ब्लैंक स्पेस में लिखना है. क्वेश्चन है फिनिश योर टास्क, मतलब अपने काम को इन ए ब्लैंक, जिसमें हम लोग को लिखना है मैनर. और हम लोग को चार ऑप्शंस दिए गए हैं. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे. वी विल बी एनालाइजिंग ऑल द फोर ऑप्शंस गिवन टू अस. सो द फर्स्ट ऑप्शन या पहला ऑप्शन है स्विफ्ट. स्विफ्ट का मतलब होता है क्विकली, जल्दी से, और प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी. कॉम्पिटेंट इज द नेक्स्ट ऑप्शन गिवेन टू अस एंड दिस मीन्स हैविंग नेसेसरी एबिलिटी और नॉलेज. इसका मतलब है आपके पास जो रिक्वायर्ड होना चाहिए एबिलिटी, काबिलियत और ज्ञान, वो आप दो वो आपके पास है, तो उसका उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंट. ओके, नेक्स्ट वर्ड है साइलेंस और द नेक्स्ट ऑप्शन इज साइलेंट एंड दिस मीन्स, ये सभी को पता है, नॉट मेकिंग एनी साउंड. ठीक है, साइलेंट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक मैनर इन अ डैश मैनर, एक स्पेसिफाइड मैनर में आपको करना है सारे काम. और लेजी का मतलब है
वो इंसान जो अनविलिंग रहता है, जिसे मन नहीं करता कोई काम करने का, उसको अनविलिंग टू डू एनी वर्क इज टर्म्ड एज अ पर्सन हु इज लेजी. एंड दिस कांट बी डन बिकॉज इफ यू डू समथिंग इन लेजी मैनर, अगर आप लेजी मैनर में करते हो तो आप फिनिश नहीं कर सकते वो टास्क. तो या फिर स्विफ्ट हो सकता है या फिर कंटेंट हो सकता है. और सही आंसर यहाँ पे होगा स्विफ्ट, मतलब ए है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है ये. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन विच वी विल डू इन टुडे इन दिस ट्यूटोरियल. क्वेश्चन इज एट डैगर्स डॉन मीन्स, एट डैगर्स डॉन दिया हुआ है और इसका मीनिंग हम लोग को बताना है. पहला ऑप्शन मतलब फ्रेंडली, मतलब आप दोस्त हो. ओके, सो यू आर एक्चुअली फ्रेंड्स. ठीक है, सो आपका है गुड टर्म्स. सो यू आर ऑन गुड टर्म्स, इजंट इट, अच्छा रिलेशन है. दूसरा है ऑन बैड टर्म्स, दुश्मनी, ऑन बैड टर्म्स को बोल सकते हैं. तो अगर हम लोग लिखेंगे ऑन बैड टर्म्स, मतलब होता है इफ टू पीपल और ग्रुप्स आर एट बैड टर्म्स, इसका मतलब है अगर दो पीपल या ग्रुप बैड टर्म्स में होते हैं, मतलब वो लोग बहुत गुस्से में हैं, सो दे आर एंग्री प्लस दे आर रेडी टू फाइट, मतलब वो हमेशा लड़ने के लिए भी तैयार हैं. और आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, आर्ग्यू करने के लिए तैयार है, सो दे आर रेडी टू आर्ग्यू विथ ईच अदर. बैड टर्म्स मतलब खराब टर्म है. तीसरा ऑप्शन है अक्वेंटेड. अक्वेंटेड और फ्रेंडली में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो आपका दोस्त है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली एंड अक्वेंटेड मीन्स दिस मीन्स यू आर फेमिलियर विद दैट पर्सन. सो यू आर फेमिलियर बट हियर यू नो द पर्सन वेरी वेल एंड दैट्स व्हाई ही इज योर फ्रेंड. यहाँ पर वो आपका दोस्त है पर यहाँ आपके वो सिर्फ परिचित लोगों में से है. और डी का मतलब है अननोन, दैट इट सिंपली मीन्स यू डोंट नो द पर्सन, मतलब आप जानते नहीं हो. यू डोंट नो. सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फोर ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस का मीनिंग जानने के बाद, अगर मुझे आपको बताना है, इफ आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज एक्चुअली डैगर्स डॉन मीन, इट एक्चुअली मीन पीपल ऑन बैड टर्म्स विथ. दैट मीन्स डैगर्स डॉन का मतलब वो सारे लोग जो बहुत गुस्से में हैं, एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार है या फिर आर्ग्यू करने के लिए तैयार है. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. सो बी होगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. सो आई होप ये शॉर्ट ट्यूटोरियल, ये छोटा ट्यूटोरियल WBCS के ऊपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली. एंड थैंक यू, शुक्रिया सो मच फॉर वॉचिंग.